गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक IQ। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 13th अप्रैल है। आज हमारे टेबल के ऊपर है तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक आर्टिकल इसराइल के ऊपर है। कल हमने इसराइल के बारे में बहुत सारी बातचीत की है और इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातचीत ऑलरेडी कर ली है, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। यहाँ पर जलियांवाला बाग के ऊपर एक आर्टिकल है। आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, लेकिन यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक तो जो रोवलेट एक्ट जो है, ये कैसे एक विचारधारा है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बात की गई है। और ये जो जलियांवाला बाग हुआ, उससे पहले भी एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है नॉट हाफ डन, ये हमारा जो जनरल इलेक्शन चल रहा है उसका जो फर्स्ट फेज है, इसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। और स्टार्टिंग करेंगे सीइंग डार्कनेस से। सीइंग डार्कनेस जो है, ये ब्लैक होल के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स कि हमें एक ब्लैक होल की तस्वीर मिली है। ब्लैक होल जो हैं, उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर जो हमें ये लाइट दिख रही है, ये क्या है, इसको कहते हैं द लास्ट फोटोन रिंग, राइट, रिमेंबर द नेम, दिस इज़ कॉल्ड द लास्ट फोटोन रिंग। फोटोन जो है, ये शब्द बेसिकली लाइट के साथ जुड़ा हुआ है। और जो EHT जो हैं, इसका मतलब है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमें ये जो तस्वीर है ब्लैक होल की, ये प्रोवाइड की है। नाउ द ब्लैक होल इटसेल्फ कैनॉट बी सीन बिकॉज द लाइट कैनॉट एस्केप इट्स इंटेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो ये लास्ट फोटोन रिंग जो है, इससे हमने ये साबित किया कि ब्लैक होल जो है वो यहाँ पर है। जस्ट आउटसाइड इज़ अ रीजन, ब्लैक होल के आउटसाइड में ये जो सर्कल है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर फोटोन यानी कि लाइट क्वांटम ऑर्बिट करता रहता है। तो ये जो लाइट है वहाँ पर इस ब्लैक होल में ड्रॉप नहीं होती हैं, तो इससे फिर पता चलता है। तो दिस आर सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग ब्लैक होल। ब्लैक होल इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसग्रेसिंग दिस बाउंड्री इज लॉस्ट। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है कि एक बार इसमें कोई चीज़ एंटर हो गई एंड दैट्स इट, इट्स गोन फॉर एवर। उसके बाद उसका क्या होता है उसके बारे में हमें पता नहीं है। हिग्स बोसोन, नाउ द थिंग इज हिग्स बोसोन एक बहुत ही फेमस चीज़ है और इसके साथ जुड़े हुए हैं भारत के एक साइंटिस्ट। तो कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु इज एसोसिएटेड विथ हिग्स बोसोन, या फिर कई बार इसको गोड पार्टिकल भी कहा जाता है। कुछ 50 साल पहले इसका डिटेक्शन हुआ। ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं, अभी कुछ ही सालों पहले ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे सामने आई, और आज से 100 साल पहले आइंस्टाइन ने इसके साथ जुड़ी हुई थियोरीज रखी थी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हमें मिली। लीगो के बारे में आपने सुना होगा। नाउ ब्लैक होल जो हैं, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो हमें ब्लैक होल जो मिला है, तो इसका डिस्टेंस बहुत ही दूर है, इतना दूर है कि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल या फिर डे बिफोर यस्टरडे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम इसके और करीब जा सकें। इट्स वेरी वेरी फार, राइट, और कुछ वक्त लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि अगर हम कभी भी ब्लैक होल के पास पहुंच जाएंगे या फिर ब्लैक होल के अंदर क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। वी डोंट नो येट कि कहाँ पर क्यों चीज़ें लॉस्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है। द ही एच टी सेट आउट टू इमेज टू कैंडिडेट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, दो ऐसे दूसरे ब्लैक होल्स जो हमसे इतने दूर नहीं हैं, उसकी भी कुछ इंडिकेशन हमें मिले हैं। एक हैं सेगिटेरियस ए, ये कुछ 26,000 लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं, और दूसरा जो है ये 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। ये मैसेयर 87 गैलेक्सी में है, विर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में। नाउ द थिंग इज के ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये ई एच टी का और ये जो ई एच टी का ये टेलीस्कोप ने जो भी हमें तस्वीरें दिखाई, तो ऐसा नहीं है कि एक जस्ट लाइक ए क्लिक
कर लिया, तस्वीर एक फोटो खींच लिया और चीज़ें हमारे सामने रख दी। नो, बहुत सारे छोटे बड़े एनालिसिस किए गए हैं, 200 से भी साइंटिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक कोलाबोरेशन में भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और इसी के साथ साथ धैर्य और एक आशा साइंस और रीज़न में। जो लोग साइंटिफिक लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्रकार की चीज़ स्पेस में खास करके, तो दे हैव अ सॉर्ट ऑफ फेथ। इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर के चांसेस होते हैं, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एनीवे ये जो थियरी थी आज धीरे धीरे प्रूव हो रही है, तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। बट इट्स समथिंग दैट इज़ आई वुड से रीजनेबली इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन, नॉट हाफ डन, ये एक छोटा सा एडिटोरियल है। छोटा सा इसलिए क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि 17th लोकसभा की जो ये इलेक्शन है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और 91 लोकसभा की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 20 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेडेड है। तो इसमें फर्स्ट फेज जो पोलिंग का है वो ख़त्म हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में रीजनेबली यू कैन से पीसफुल रहा, तेलंगाना में थोड़े बहुत वायलेंस के केसेस हमें देखने को मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ 2,426 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ कैश, लिकर, ड्रग्स और दूसरी आइटम्स सीज की हैं। कई जगह पर हमें ये भी खबरें मिली कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायोलेशन हुआ। अलग अलग पार्टीज़ ने अलग अलग लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, कुछ को इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग्स दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली इस इलेक्शन में। और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो हैं इसमें टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा। त्रिपुरा में 81.8% और वेस्ट बंगाल में 81% रहा। ईवीएम्स और वीवीपैट के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। पहले ये था कि पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन जो है वो रैंडमली एक ईवीएम और वीवीपैट को सिलेक्ट कर लेता था और फिजिकल काउंटिंग होती थी स्लिप्स की। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने मीन्स सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज़ ने ये बताया, ओपोजिशन पार्टीज़ ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो उसके 50% जितने मशीन्स को चेक किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया है कि आप पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 ईवीएम्स वीवीपैट्स को चेक कर लीजिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट यू कैन से जनरल इलेक्शन जिसमें ईवीएम्स के साथ वीवीपैट का उपयोग हुआ है। तो दैट्स द थिंग एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। कई बार ये भी पढ़ने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन ने इतने कठोर स्टेप नहीं लिए, कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, तो इसमें हम सिग्मा 6 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिग्मा 6 यानी कि नो एरर्स आप कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के एरर्स ना हो। 100% चीज़ें जो पेपर में है वैसी ही चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखने को मिले, तो दैट्स टू बी ऑनेस्ट इम्पॉसिबल। थोड़े बहुत एरर्स, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं पर आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं सो फार। ये जो इलेक्शन की एक्सरसाइज है हमारे देश की, इसको दुनिया के अलग अलग देश भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो आई वॉन्ट से कि इलेक्शन कमीशन एक फ्लॉलेस बॉडी है, 100% नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं 90% जितना तो इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इट्स गुड एज वेल। अब बात करते हैं रोवलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत ऑलरेडी कर ली है। रोवलेट एक्ट जो है इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ये एक विचारधारा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट मुझे पढ़ने को मिला, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस व्यू पॉइंट विथ ऑल ऑफ यू गाइस। ऑफ कोर्स, ये जो रोवलेट एक्ट है ये था क्या, इसमें युद्ध चल रहा था उस टाइम पर
और युद्ध के वक्त ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में एंगेज्ड था, तो उस टाइम पर हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि आप देखेंगे 1906-07 के बाद जो समवेयर इन 1906 आई थिंक इट वाज रशिया वर्सेस जापान, और पहली बार किसी एशियाई संस्कृति ने, जापान जो है उन्होंने यूरोपीय संस्कृति रशिया को हराया था, और इससे दुनिया के अलग अलग देशों में, खास करके भारत में, तो खास जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम भी यूरोपियन संस्कृति के देश को हरा सकते हैं। ऐसा ही कुछ केस हुआ था अफ्रीका में भी, कुछ इट वाज इन 1896 और समथिंग, या फिर 1899, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन इटली को हराया था एक अफ्रीका के देश ने। इट वाज आई थिंक इट वॉज इथोपिया, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। एनीवे, मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ जो है वो पॉप अप हो रही है मेरे दिमाग में, तो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू गाइस। एनीवे, तो ये हुआ था पहले, ये जो इटली वर्सेस एन अफ्रीकन कंट्री, ये एक केस हुआ था, आई थिंक इट वॉज इथोपिया या फिर युगांडा, इसमें से दोनों में से एक कोई देश था, और बाद में ये रशिया एंड जापान के बीच में युद्ध हुआ, तो इससे हमारे देश में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। बट द थिंग इज, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो वक्त था वर्ल्ड वॉर वन का, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि हमारे देश में कोई चीज़ें ही नहीं, चाहे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर आज़ादी के बारे में, और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो फिर ब्रिटेन ने ये सोचा, ये जो ब्रिटिश राज हैं उन्होंने ये सोचा कि एक रोवलेट एक्ट पास की जाए, एक ऐसी एक्ट जिसमें वॉर टाइम डिसिप्लिन इनकलकेट की जाए, ताकि लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट ना करें, और गवर्नमेंट जो हैं उनका 100% फोकस युद्ध में रहे, ना कि अलग अलग देशों में जहाँ पर उनकी हुकूमत चल रही है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट के पीछे जो एनर्जी और ध्यान वेस्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये चीज़ करना नहीं चाहते थे वो लोग। तो दे केम आउट विद दिस एक्ट कि प्रेस के ऊपर कंट्रोल, देखिए प्रेस के ऊपर कंट्रोल जो है वो बहुत बार गवर्नमेंट ने लगाया, प्रेस यानी कि फ्रीडम, आप कह नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप जो सही बात है उसको पढ़ नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें कर्ब की जाती हैं इस प्रकार के एक्ट में। और इनडिफाइनाइट डिटेंशन, आपको एक बार पकड़ लिया तो फिर ट्रायल, आपको कोर्ट के सामने नहीं रखा, पेश नहीं किया जाएगा, आपको जेल में रखा जाएगा, एंड इसकी कोई मीन्स इनडिफाइनाइट है, जब चाहे तब तक। फिर अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस के पास ये पावर था कि आपको विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर ले, पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि आपको जेल के अंदर रखना है, एंड दैट्स इट, दैट पर्सन विल थ्रो यू इन द जेल, आपको नो ट्रायल, नो एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ नहीं, आपको बस जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ रोलेक्ट एक्ट ने की, और ये एक ऑफकोर्स एक विचारधारा थी, एक टेम्परामेंट था। नाउ 12 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग के एक दिन पहले रविंद्रनाथ टागोर साहब ने एक पत्र लिखा था गांधी जी को, और ये जो पत्र है उसमें उन्होंने द ग्रेट गिफ्ट ऑफ फ्रीडम इसके बारे में बात कही है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडियाज अपॉर्चुनिटी फॉर विनिंग इट विल कम टू हर व्हेन शी कैन प्रूव दैट शी इज मॉरली सुपीरियर टू द पीपल हु रूल हर बाय देयर राइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मतलब ये है कि भारत को ये जो अपनी आज़ादी है वो तब मिलेगी जब हमारे लोग इस चीज़ को साबित कर दे कि हम नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, नैतिक रूप से उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये एक बात उन्होंने कही थी। और देखिए, जलियांवाला बाग के कुछ टाइम पहले 30 मार्च 1919 को क्या हुआ था, ये जो रोलेट एक्ट है उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने एक नेशन वाइड हड़ताल के बारे में बात कही थी, और ये जो हड़ताल है इसके लिए दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको पूरा एक लिस्ट मिलेगा कितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोगों के बारे में हमें पता है तो उनका एक पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, सारे के सारे नाम जो हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई, कितने लोगों की बाद में मृत्यु हुई।
तो ऐसा पूरा लिस्ट आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है। नाउ द थिंग इज कि ये जो चीज़ हुई 30 मार्च को, तो ये एक इंडिकेशन था जलियांवाला बाग का। और जलियांवाला बाग जो हैं, ये जो दिल्ली के फायरिंग है, वो एक प्रकार से रिहर्सल ही था, आप समझ लीजिए। अब ये जो जलियांवाला बाग है, इसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम हर कोई यहाँ पर इकट्ठा हुआ था इस बाग में, और ये कोई रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए नहीं था। ये तो एक फेस्टिवल जो है, बैसाखी का फेस्टिवल, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो खेती प्रधान देश है हमारा, उस टाइम पर भी था। तो एक सिख न्यू ईयर, जो ऑफकोर्स आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, यू विल फाइंड इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस जियोग्राफी, जियोग्राफी एज वेल एज एग्रीकल्चर। तो ये इस पर्टिकुलर त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए लोग यहाँ पर आए, और तब तक जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई जब तक गोलियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो गई। तो रोलेट एक्ट एक प्रकार से एक टेम्परामेंट था, यू नो, और आई होप आपको ये मैसेज मिल गया। टेम्परामेंट इन द सेंस एक विचारधारा है, और ये विचारधारा जो हैं वो आज भी हमें देखने को मिलती हैं दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में। ये होता है एक परिवार में भी, शायद ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, एक सोसाइटी में होती है, राइट, पैसे वाले, गरीब, एक्सेट्रा। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक टेम्परामेंट जो हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये टेम्परामेंट जो हैं वो आई थिंक रोलेट एक्ट को डिफाइन करता है। इट्स अबाउट इनइक्वालिटी, रोलेट एक्ट इज़ अबाउट इनइक्वालिटी, इट इज़ अबाउट पार्शियलिटी, इनह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं न्यूज़ आइटम्स के बारे में। व्हाट हु बॉट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स पार्टी। अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो किया है, तो मैंने इसके बारे में बात की थी कि इलेक्शन कमीशन और वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस प्रकार की एक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। ADR, ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपब्लिक, ऐसा कोई NGO है, और इस NGO ने ये पर्टिकुलर एक प्ली फाइल की थी कि या तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप बंद कर दीजिए, या फिर अगर ये कंटिन्यूएशन में रहते हैं तो फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर केस को सुन रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, गवर्नमेंट ने ये बताया कि सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट सीक्रेसी होगा ये कि जो वोट, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फिर नेक्स्ट पार्टी जब आएगी तो उसके खिलाफ कोई चीज़ें कर सकती हैं, यू नो, नेगेटिव चीज़ें, ऐसा कोई रिवेंज, ऐसा कोई गुस्सा निकालना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो एनोनिमिटी जो है, एक इसमें जो एक गुप्त रखा जाता है नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि ये जो एक सीक्रेसी है, इस सीक्रेसी से तो हम जो यू नो एक चोरी छुपे पैसे देना, ये सारी चीज़ों को फिर हम एक लीगल बैकअप दे रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे सील्ड कवर्स में, कि कौन कौन इनके डोनर्स हैं, कितना कंट्रीब्यूशन उनको सो फार मिला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मेनका गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। मेनका गांधी जी का बाद में जो एक्सप्लेनेशन आया, उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, मीडिया का कहना ये है कि उन्होंने बात कही है, वट एवर इट इज़ ऑन अस टू डिसाइड कि सच क्या है और गलत क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग क्रैशेस, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो ये स्लो हुआ है 1. फरवरी में, यू नो, स्लोड इन फरवरी फ्रॉम 1.44 इन जनवरी, और फरवरी में इसका आंकड़ा है 0.1%, और ये सो फार पिछले 20 महीनों में सबसे स्लो आंकड़ा है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद फिर से ये पिकअप हो जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी दवाई के पैकेट के ऊपर लिखना है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली आप लिखिए। तो ये एक ऑर्डर आया है। फिर मोदी साहब को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द होली एपोसल एंड्रयू द फर्स्ट, ये अवार्ड दिया गया है।
और सूडान एक अफ्रीका का देश है, तो सूडान के प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, पिछले कुछ 20-25 सालों से, आई थिंक उससे भी ज़्यादा ये यहाँ पर राज कर रहे थे। लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि चूहे जो हैं वो अपने बिल में वापस घुस जाएं। लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा, आर्मी ने अटैक किया था लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग प्रोटेस्ट करते रहे। तो फाइनली वहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री जो है, उन्होंने बशीर को हटा दिया है और ख़ुद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। आने वाले 2 सालों तक सूडान को वहाँ की जो मिलिट्री है वो कंट्रोल करेगी। चाइना का जो ये BRI के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, ट्रेन का प्रोजेक्ट मलेशिया में, तो पहले मलेशिया ने बताया था कि ये प्रोजेक्ट में हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन चाइना ने फिर जो इसकी कोस्ट है, यू नो नियरली थर्ड जो भी कोस्ट है उसको कट किया है, तो अब मलेशिया इससे खुश हैं। तो BRI के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, तब मैंने बताया था कि बहुत सारी जगहों पर BRI का विरोध होता है, बहुत सारी जगहों पर BRI जो हैं, मीन्स हम्बन टोटा का एग्जाम्पल है, मालदीव्स हैं, फिर दूसरे भी देश हैं जिन्होंने BRI को रिजेक्ट किया है। तो ये एक चीज़ है, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। फ्रेलनेस, आउटरेज, पेनांस, टेम्पटेड एंड अटर, ये हैं आपके वोकैब। और कल संडे हैं डियर फ्रेंड्स, तो कल आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा। अगर द हिंदू में स्पेशल टॉपिक नहीं ला पाया, तो फिर डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में तो डेफिनेटली एक स्पेशल टॉपिक होता ही है। देखते हैं कल कितने इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें न्यूज़ पढ़ने को मिलते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।